Now we are गोइंग टू डिस्कस स्टोर फॉर्मेट स्टोर sizes एंड स्पेस एलोकेशन इन अ पर्टिकुलर retail स्टोर जब भी हम बात करेंगे इन तीनों पर्सपेक्टिव के हवाले से तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड मौजूद हैं कौन सा स्टोर फॉर्मेट चूज़ करना है कौन सा स्टोर साइज किस साइज़ का होना चाहिए और किस तरीके से द स्पेस एलोकेशन विल वर्क सो सबसे पहले हमको पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली हाउ हाउ डज दिस कॉन्सेप्ट वर्क सो रिटेलर क्या करता है वो ये चेक करता है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वट आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्टिक्स अवेलेबल तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू सी कि आइदर आई हैव टू ओपन अ स्टोर इन ए प्लैंड डिस्ट्रिक्ट सेंटर किसी प्लैंड जगह के ऊपर किसी एक प्रॉपर मॉल के अंदर किसी एक प्रॉपर शॉपिंग सेंटर के अंदर मुझे करना है या आई नीड टू गो फॉर अन शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मुझे लेकर चलना है स्टोर को तो लेट्स से इन दोनों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को वो ऑप्ट करता है ये आगे सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं बिकॉज ऑफ कोर्स किसी भी स्पेस से रिलेटेड उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड है उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कस्टमर का फुटफॉल इंपॉर्टेंट है वहाँ पे व्हीकुलर ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है आ, कस्टमर का वॉक इन ट्रैफिक कितना है वहाँ पे कस्टमर का ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है आपका बाइंग सर्कल क्या है तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम इस स्पेसिफिकली स्पेस एलोकेशन के हवाले से बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करेंगे फिर इम्पॉटेंट बात इसके अंदर ये भी है कि आपको ये देखना है कि मुझे प्री फेब्रिकेटेड मटीरियल यूज़ करना है या मुझे एक कंस्ट्रक्शन करवानी है किसी पर्टिकुलर रिटेल स्टोर की जिस तरीके से अगर हम देखेंगे पाकिस्तान की मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो मेट्रो के हवाले से सो दे हैव दिस प्री फैब्रिकेटेड मटीरियल वो बिल्कुल स्ट्रक्चर बन क्या बना हुआ बना बनाया स्ट्रक्चर आता है आपके पास वो आके सिर्फ प्लग एंड प्ले होता है एंड देन इट इज़ द स्टोर ऑपरेशनल हावेवर अगर हम बात करेंगे बिल्कुल लोकल लेवल के ऊपर एक अच्छे कन्वीनियंस स्टोर की एक अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर की सो यू मस्ट हैव कि नॉर्मली दे आर कंस्ट्रक्टिंग इट विद अ प्रॉपर मटेरियल विद अ प्रॉपर वो रेत और वो बजरी और वो सीमेंट एट कंप्लीट स्ट्रक्चर हैज बिन बिल्ट ऑन द कंक्रीट बेसिस सो आपको ये डिसाइड करना है कि आइदर आई विल गो फॉर दिकेटेड प्री फेब्रिकेटेड मटीरियल और येस वी विल गो फॉर द कंस्ट्रक्शन मटीरियल एट द सेम टाइम स्टोर की हवाले से फिर हम बात करते हैं स्टोर के फॉर्मेट के हवाले से तो जो की फॉर्मेट डिसीजंस आपको स्टोर के हवाले से यू हैव टू टेक एज ए रिटेलर क्या मेरे पास आई विल टेक सम प्रोटोटाइप रिटेलिंग अप्रोच या मैं कोई रैशनलाइज्ड रिटेलिंग प्रोग्राम को आई विल फॉलो ये दोनों चीज़ें क्या हैं किस तरीके से हैं लेट मी डिस्कस विद यू क्विकली वन बाई वन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटोटाइप स्टोर्स के हवाले से तो जिस तरीके से इट इज़ विजिबल हियर ऑन द डॉक्यूमेंट वेयर बाय द मल्टीपल आउटलेट्स कंफर्म रिलेटिव यूनिफॉर्म अ ले लेआउट और इसी तरीके से यूनिफॉर्म ऑपरेशनल स्टैंडर्ड सो यूनिफॉर्मिटी इन एवरी थिंग बेशक वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है बेशक वो लेआउट का पार्ट है या बेशक वो आपके ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपी का पार्ट है तो दैट इज बेसिकली प्रोटोटाइप काइंड ऑफ रिटेलिंग कौन कौन से रिटेलर हैं जो कि नॉर्मलीस तरह की अप्रोच को फॉलो करते हैं सो वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स सबसे पहले जिस तरीके से अगर हम ऑफिस डिपो की बात करते हैं इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल मेगनोडल्ट इज 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 गुड एग्जाम्पल स्टार बक्स जो है कैफे इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोटोटाइप रिटेलिंग स्टोर के फॉर्मेट के हवाले से फिर दूसरी हमारे पास जो अप्रोच है दैट इज़ रैशनलाइज्ड रिटेलिंग प्रोग्राम अब ये रैशनलाइज्ड रिटेलिंग प्रोग्राम जो है वो क्या है इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली इट इज ए कम्बाइनिंग हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रिक्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एट द सेम टाइम एंड देन एवरी फेज ऑफ बिजनेस यू हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली अच्छा यहाँ पर नॉर्मली ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट के ऊपर यू हैव टू वर्क जिस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि ऑपरेशन आर नॉर्मली परफॉर्म्ड वर्चुअली आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर वी के ऊपर सारी चीज़ें वर्कआउट हो रही होती हैं जो कि एक्चुअली हेल्प करती हैं रिटेलर को इस फॉर्मेट को समझने में और कस्टमर को कस्टमर का सोल्यूशन देने में विच इज लुकिंग फॉर विच इज एस्पायरिंग और एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिटेलर फिर अगर आप बात करते हैं स्टोर साइजेस के हवाले से तो स्टोर किस साइज का आपने ऑप्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि एक रिटेलर के पास डिफरेंट साइजेस की क्या ऑप्शन मौजूद हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ मिग्रोस के हवाले से सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मिग्रोस जेट स्टोर जो कि एक बिल्कुल कन्वीनियंस स्टोर है उस मॉडल से लेकर दे हैव मिग्रोस ट्रिपल एम स्टोर यानी कि लार्ज क्लासिकल फॉर्मेट स्टोर मेट्रो की अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी इको स्टोर जो कि एक स्मॉल फॉर्मेट के रिटेल स्टोर्स हैं इट गोज़ क्लासिकल लेवल ऑफ स्टोर क्लासिकल स्टोर जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लेवल के स्टोर हैं लार्ज स्टोर हैं जो कि नॉर्मली टू हंड्रेड थाउजेंड स्क्र फिट के स्टोर्स हैं तो एक ये बात डिपेंड करता है फिर दूसरा आपकी जो लोकेशन की कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लीज कॉस्ट क्या है रेंटल कॉस्ट क्या है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या है बाइंग कॉस्ट क्या है वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके स्टोर फॉर्मेट को चूज़ करने के हवाले से फिर थर्ड इंपॉर्टेंट बात इज़ दी प्रोडक्टिविटी क्या आप जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर साइज़ ऑफ द स्टोर से क्या वो आपको अचीव हो रही है आपका सेट फॉर्मेट अचीव हो रहा है अगर नहीं हो रहा इसका मतलब यह है कि यू हैव टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ़ द स्टोर इफ़ द प्रोडक्टिविटी लेवल इज़ हाई यू कैन एक्सपेक्ट टू इंक्रीज योर स्टोर साइज तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम यह आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपने किस स्टोर साइज को किस पर्टिकुलर कंट्री में किस पर्टिकुलर प्रोविंस में स्टेट में या एक पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर टाउन में कैसे आपने चूज करना है तो दो तरह की ऑप्शन हमारे पास मेजरली मौजूद होती हैं जो कम से कम स्टोर का साइज नॉर्मली एक कन्वीनियंस स्टोर का मॉडल है दैट सपोज टू बी बिटवीन टू थाउजेंड स्केयर फिट टू थ्री थाउजेंड स्केयर फिट और अगर हम बात करते हैं लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स की रिटेल स्टोर्स की सो so नॉर्मली वो ग्रेटर देन हंड्रेड थाउजेंड स्केयर फिट के ऊपर होते हैं अब वी हैव सीन इन लॉट ऑफ कंट्रीज के जहाँ पर देर स्टोर्स विच आर टू हंड्रेड थाउन्न स्क्येयर फीट हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड स्क फीट एक लाख सवा लाख स्क्यर फीट सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट स्टोर्स विच आर ग्रेटर देन हंड्रेड थाउजेंड स्केयर फीट तो जब हम स्टोर साइज की बात करते हैं उसके बाद हमारे पास स्टोर स्पेस की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिकॉज स्टोर साइज डिफाइन होने बाद, you have to see के बाद यू हैव टू सी कि मैंने उस स्पेस को किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना है सो so, रिटेलर का क्या टारगेट है कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में अचीव कर सकता हूँ एक्सपर्टिकुलर स्पेस के थ्रू क्या मेरा पर स्केयर फिट प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग क्या मेरा पर स्केयर प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग सो मुझे देखना है कि मैं किस अप्रोच को लेकर चल रहा हूँ सो देर आर टू मेजर अप्रोचेज वन इज द बॉटम अप अप्रोच एंड सेकेंड इज द टॉप डाउन अप्रोच दोनों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन जो कि आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए कि स्पेस मैनेजमेंट स्टोर के अंदर कैसे है और नॉर्मली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सो स्पेस मैनेजमेंट इज डन थ्रू सम मेजर सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रैक्टिकली पहले ये मैनुअल की जाती थी लेकिन आज के दिन में देर आर प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल जिसके थ्रू आप प्रॉपरली अपनी स्पेस को एलोकेट कर सकते हैं तो सबसे पहली अप्रोच की अगर मैं बात करता हूँ देट इज टॉप डाउन स्पेस मैनेजमेंट अप्रोच इसके अंदर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो रिटेलर स्टार्ट विद इट्स टोटल अवेलेबल स्टोर स्पेस और फिर उसको वो डिपार्टमेंट में ब्रेक करेगा फिर उसको कैटेगरीज़ में ब्रेक करेगा कैटेगरीज़ के बाद देन फिर उसको प्रोडक्ट्स ब्रांड्स में ब्रेक करेगा और लास्ट में वो वर्कआउट करेगा कि मुझे किस प्रोडक्ट साइज़ को कितनी ज़्यादा स्पेस देनी है किस पर्टिकुलर ब्रांड को कितनी ज़्यादा स्पेस देनी है सो so, सबसे पहले वो देखता है लड़ से आई हैव टेन थाउजेंड स्क्र फीट स्टोर तो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट और फिर वहाँ से लेकर टिल किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को कितनी जगह देनी है कितनी स्पेस देनी है कितना फेशा देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस अप्रोच के अंदर दूसरी अप्रोच हमारे पास है बॉटम अप अप्रोच जिसको हम बॉटम अप स्पेस मैनेजमेंट अप्रोच कहते हैं अच्छा इस स्पेस के अंदर रिटेलर जो है वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्लान करता है वो क्या करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये देखता है कि मेरे किसी एक प्रोडक्ट को कितनी जगह रिक्वायर्ड है लेट से मेरे पास डिटर्जेंट कैटेगरी के अंदर बोनस इज द टॉप सेलर और बोनस में वो दस रुपए वाला बोनस इज द टॉप सेलर सो मुझे उसको कितनी स्पेस देनी है वर्सेस मुझे वो सर्फ एक्सेल को या एरियल को उसको कितनी शॉप फेसिंग्स देनी है तो उसकी बेसिस के ऊपर सबसे पहले वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करेगा देन कैटेगरी की बात करेगा डिपार्टमेंट की बात करेगा और फिर देन ही विल टेक केयर ऑफ़ कि मुझे अब कितनी टोटल स्पेस रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस टर्न को अचीव करने के लिए तो नॉर्मली रिटेलर जो है वो जब स्टोर फॉर्मेट डिसाइड करता है उसी तरीके से वो फिर स्पेस डिसाइड करेगा तो उसको ये देखना है कि मेरे कस्टमर की नीड्स जो है वो एड्रेस होनी चाहिए इफ द नीड्स आर नॉट प्रॉपरली एड्रेस्ड बेशक यू आर ऑप्टिंग फॉर टॉप बॉटम अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच दोनों सूरतों के अंदर इफ द कस्टमर इज नॉट हैप्पी दैन दर इज नो यूज ऑफ इंक्रीजिंग और मेकिंग बिग स्टोर और स्मॉल स्टोर इट इज इट डज नॉट मैटर इट हैव नो इंपॉर्टेंस इन द आईज ऑफ द कस्टमर